ग्वालियर में जागरूकता अभियान के तहत थाना जनकगंज टीआई की एक और नई पहल देखने को मिली है। टीआई ने आज स्कूल की छात्राओं को अपने थाने में बुलाकर थाने में होने वाली कार्यशैली के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले भी बच्चों के मन में पुलिस के प्रति जो भी डर की भावना है उसे दूर करने का प्रयास किया गया। स्कूल में एसी लगा के उस बारे में क्या कहना? नहीं, ये स्कूल की अच्छी पहल है। इन्होंने कई दिन से मुझे आमंत्रित कर रहे थे कि सर थोड़ा सा बच्चों के साथ के लिए कुछ समय दीजिए, अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम। आज इन्होंने एक अच्छा बढ़िया वातानुकूलित कक्ष है बच्चों के लिए उपलब्ध कराया, उसके उद्घाटन समारोह में मुझे बुलाया था और फिर मेरे द्वारा बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जागरूकता कि क्या गुड टच बैड टच कैसे कोई परेशान करता है, क्या करें, पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपकी है, कभी भी कोई जितने पुलिस के हेल्पलाइन है उनके बारे में बच्चों को जानकारी दिया। बच्चों ने खूब बढ़िया अच्छे से एंजॉय किया, सवाब जवाब किया, उनके मन में डर जो पुलिस के प्रति रहता है उसको दूर करने का मैंने प्रयास किया। बच्चों ने प्रॉमिस किया बिल्कुल सर डर नहीं लगेगा, कोई भी रिपोर्ट होगी, कोई भी सूचना होगी, कोई भी जानकारी होगी बच्चों ने देने का प्रॉमिस किया। हाँ, मैंने उनको बच्चों को कहा था कि अभी आप लोगों को मैं थाना भ्रमण कराऊँगा, उसी तारतम्य में आज बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी मैं इन बच्चों को अपने हवालात भी भ्रमण कराऊँगा जहाँ अपन मुजरिमों को रखते हैं, हमारे हवा शस्त्र खाना माल खाना जो शस्त्र यहाँ रखे जाते हैं वहाँ भी भ्रमण कराऊँगा और ऐसे पूरे जैसे एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है थाना प्रभारी का सबको भ्रमण कराऊँगा ताकि इनके मन में एक भावना जागृत हो कि कभी पुलिस थाने आने से डरे ना, पुलिस को अपना समझें। इन सब उद्देश्य के लेके ये मेरा लगातार ही अभियान जारी रहेगा। हर स्कूलों में जाके मैं बच्चों को ये हेल्पलाइन और इनकी सुरक्षा संबंधित जानकारी देने का प्रयास करूँगा और इनको निडर बनाने का प्रयास करूँगा, स्वावलंबी बनाने का प्रयास करूँगा। ये मेरी पहल है। थैंक यू सर। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन से स्कूल में? आज आपके क्लास में एसी लगा है। यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नहीं बताइए और कुछ? नहीं सर, आज एसी लगा था, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन से स्कूल में? थोड़ा जोर से बोलिए। आज आपके रूम में एसी लगा है? यस सर। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। आपको गर्मी नहीं लगेगी? गर्मी से आराम मिलेगा। यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान जाकर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेवन। कौन से स्कूल में? सेंटा क्लॉज किड्स हाई स्कूल। आपके क्लास में एसी लगा है? यस सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे सर, पहले बहुत गर्मी लगती थी, अब बिल्कुल नहीं, बहुत ठंडा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान जाकर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एट्थ में। इसी साल आई हो गए? नो सर। तो कितने साल से हो? हम पीजी से। जी प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप एट्थ में हो आप? अच्छा, आपके रूम में एसी लगा है? यस सर। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मैं बहुत गर्मी लगती थी। सर को थैंक यू, हमारे लिए चिंता करें। कौन से सर को थैंक यू? ओके यस सर। सर क्या नाम है आपका? मैं मोहन रत्नाकर हूँ और सेंटा क्लॉज किड्स स्कूल में सचिव हूँ और अभी बीच में कुछ दिन पहले मेरी टीआई साहब से मुलाकात हुई थी तो टीआई साहब ने मुझे थोड़ा सा कहा था कि रत्नाकर गर्मी तो बहुत लगती होगी बच्चों को। मैंने कहा साहब गर्मी तो लगती है सर। तो कौन से थाना टीआई? ये जनकगंज थाना टीआई। शुभ नाम उनका? उनका नाम तो मुझे पूरा ज्ञानन सिंह जी। तो एक दिन वो ऑफिस में ही मेरे बैठे थे, उन्होंने कहा सब बच्चों को लगवा दो रत्नाकर और बस वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और जब उन्होंने कहा तो मैंने तुरंत सारे बच्चों के लिए तुरंत हर क्लास में एसी लगवा दिए। आज बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को और मैं हमेशा एक ही दुआ करता हूँ ये बच्चे ज़िंदगी भर अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अपने माता पिता का ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन करें। और आज जो आपने बच्चों का जो इंटरव्यू लिया है इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि बच्चों को एक अच्छी भावना जागती है। बच्चा कोई भी इंटरव्यू देने में कभी हिचकिचाता नहीं है और ये मेरे भारत देश के बच्चे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हर स्कूल में अगर एसी लग जाए तो बच्चों को गर्मी की नाम की चीज़ें हट जाएगी। मैं एक बार पुनः इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन लोगों ने आज मेरे प्रति दो शब्द बोले हैं और जब जब मेरे को समय मिलेगा जब जब भी मेरे बच्चों की परेशानी होगी सबसे पहले मुझे इन बच्चों के बीच में खड़ा होना ही पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने बच्चों की भावनाओं को बढ़ाया, जिस तरीके से इंटरव्यू लिया, मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। आपके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि आज आपने उन बच्चों का इंटरव्यू लिया जो आज पूरे मीडिया में आपका भी नाम रोशन करेंगे, हमारा भी नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे।